मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम आपको बहुत दिन बाद मिले और आज हम एक ब्लॉग बनाएंगे आपके लिए, मनोरंजन के लिए आपके। आज हम जा रहे हैं देहरादून और देहरादून जाएंगे बाइक राइड। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। तो आज हम मिले आपसे बड़े दिनों बाद। तो आज हम जाने वाले हैं देहरादून बाइक से। तो संदीप बोल रहे हैं बाइक राइड करेंगे, तो आज हम जा रहे हैं बाइक से। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ में, क्योंकि हम ट्रैवलिंग ब्लॉग ही डालते हैं। वैसे हम लोग को टाइम नहीं मिलता, हम दोनों वर्किंग हैं। तो लास्ट आपने देखे वैष्णो देवी के ब्लॉग्स, तो बने रहिए देहरादून के ब्लॉग के साथ। तो देखते हैं देहरादून में हम जाके क्या स्पेशल करते हैं। फ्रेंड्स, हम निकल गए हैं बाइक से, पैक हो गए हैं पूरे धूप से बचने के लिए। और संदीप ने अभी टंकी फुल करा ली है। हम हैं पेट्रोल पंप पर और अभी हम चल रहे हैं। यस, जय माता दी। रास्ते में मिलेंगे, देखते हैं। और हाँ, फोन का भी ध्यान रखना पड़ता है। और ये है संदीप का डिपो, देखिए कितनी सारी बस खड़ी हैं, है ना। मॉर्निंग टाइम इसलिए अच्छा सीएनजी फिलिंग हो रही है। तो गाइस, मुझे तो फ़ोन में दिख नहीं रहा है, मैं दिख रही हूँ लेकिन वीडियो बन रही होगी। इसके बिल्कुल हल्की हल्की शेडो, क्योंकि धूप लग रही है, फ्लैश लग रही है। तो गाइस, हम चल रहे हैं, मिलते हैं आपसे आगे जाके। ओके गाइस, फ्रेंड्स हम रुके थे ब्रेकफास्ट करने के लिए, अभी हम बाहर आ गए हैं। जल्दी जल्दी हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, भर गया पेट मेरा भी, भर गया। तो अभी हम जा रहे हैं, मिलते हैं आपसे आगे। फ्रेंड्स, हम लोग निकल गए हैं और अभी हाईवे पे हैं हम। तो शायद आपको मेरी आवाज़ बड़ी कम कम आ रही होगी, तो अभी तो दिल्ली एनसीआरी समझ लीजिए हम हैं। तो जा रहे हैं, बैक होके पूरा धूप लग नहीं रही है। बाइक राइड पे, लॉन्ग टूर पे बड़े दिनों बाद निकला है। फ्रेंड्स, मौसम हो गया बहुत अच्छा। ये देखिए इधर, ये सूखे पहाड़, पहाड़ों में काम चल रहा है। और हमारे पास तो बाइक थी, हम आसानी से निकल के आ गए। ये है देहरादून की मार्केट। और देहरादून आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा दिल्ली के आउट ऑफ द स्टेट है, बिकॉज ये भी कैपिटल है उत्तराखंड की, देवभूमि की। तो पूरा दिल्ली जैसा लगता है यहाँ पे। ऑल नाइट 24/7 व्हीकल्स ट्रांसपोर्ट अवेलेबल रहते हैं, मीन्स जैसे ओला उबर हो गई। और रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, घूमने के बहुत अच्छे अच्छे आइटनरीज हैं। राजा जी नेशनल पार्क का पीछे, वो हम आपको कल दिखाएंगे। गाइस, हम पहुंच गए हैं रिजोर्ट, देहरादून रिजोर्ट बुक किया हमने। और ये देखो हमारा रूम है, ये हेलो गाइस, नाली में रेडी हो लिया है। और देख ले कपड़े कैसे गिर के, नहीं ये रूम है। और ये अपना ये, और जो थोड़ा नज़ारा दिखा देता हूँ रिजोर्ट का, बाकी फिर बाहर भी दिखाऊंगा। बस बाहर चले ना, अभी बाहर भी चल गए ना। ये थोड़ा ये है, ये रूम में ही है हमारे। ये देखो, ठीक है ना, ये हमारे रूम के अंदर ही है सब। मतलब है थोड़ा रूम तो बाहर, एक ही रूम का ही सब। वो जो गेट देख लो उसमें अपना, इसका फिर रेट ही बताएंगे, रेट कितना ज़्यादा वो नहीं है। ये थोड़ा दिखा देते हैं आपको, ये सब ज़्यादा नहीं है। अभी थोड़ी देर में आपको बाहर जाके दिखाएं इसका नज़ारा। मास्क तो वैसे, मास्क तो कोई ज़रूरी भी नहीं होगा, पर भी ले ली अपनी जेब में। मेरी लिपस्टिक 5-in-1, तो आपको अच्छा। पता है ट्रैवलिंग में मैं यूज करती हूं। 5 इसमें, इसके डार्क शेड भी तो इधर भी आपको पता है। हां, इसके अंदर 5 है। हां,
इसके डार्क शेड भी तो है, आपको पता है। चल फिर जल्दी लगा, एक ही रखनी पड़ती है, जल्दी लगाओ। देखो गाइस, अब मैं बाहर निकल रहे हैं, बाहर निकल के थोड़ा हाँ ये अपना ले आ जो हम गेस्ट, ये पार्किंग है, ये व्लॉग बना रहे हो? हाँ, अभी हम बाहर जाए हैं। एक 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 रील बना लेते हैं यार, फिर चलते हैं आगे का भी दिखा दे लेकर बारिश में। आप दिखा दो जल्दी, फिर दे रहो देखो कैसे बनेगी ये। हाँ हाँ, लेकर रुक जाओ। फ्रेंड्स, हम आ गए हैं बाहर से, तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी अपने रिजॉर्ट पे, जैसे पटेल का रिकमेंडेड है गाइज, तो मैं इसको इसका पूरा व्यू आपको अर्ली मॉर्निंग तो दिखा नहीं पाऊँगी, अभी दिखा देती हूँ क्योंकि मॉर्निंग में हम लोग को जाना है। अभी दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए गाइज, एंट्रेंस है, ये रिसेप्शन है, उधर रूम है, और ये सब गार्डन, और ये नीचे देख रहे पानी वाले पत्थर, तो ये सब बहुत मीन्स बहुत पॉजिटिविटी है यहाँ पे ना, है ना यार? अब कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? है ना, ग्रीनरी भी है, शांति भी है ना एकदम बड़ा, और अंदर रिसोर्ट जैसे रूम है, मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो चलते अभी अंदर है, देखो ना पैर सूज के बाइक पे बैठे बैठे मैं मना करूँ था, मगर बाइक पे मत यार, ये बीमारी की वजह। हेलो गाइस, देख कैसे बैठी मैं, का क्यों बैठी चूहा खड़ा चूहा क्या यार, वो बेड पे आया था जो अभी नींद आ रही है, चूहा नहीं था चुचुंदर है, वाह काट लेगी यार, चेंज करो रूम, 12 बज गए हैं गाइज, हमने होटल का रूम वाला बुला लिया हमने, यहाँ ना चुचुंदर की चूहा बैठा, हम नीचे ना ग्राउंड फ्लोर पे है, चुचुंदर थी ये, अभी देखो ये सारा खोल रखे हैं गेट का, अभी आया था रूम वाला, मतलब तो रूम दूसरा देगा, और ये जो ये देख रहे हो ना उनके नीचे बैठी गई हुई है, हाँ अभी आया है, अभी देखो अपने साइड में लिख डा बंदा, अभी दूसरा रूम देना पड़ेगा ना, ये मैं चुचुंदर आ रहा है, मैं क्या कह रही हूँ, नींद आ रही है, देखिए दूसरा रूम ले रहे हैं, फिर देखते ये भैया आया, देखिए हाँ जी पीछे कुछ वाले के पीछे, ओ देखो दिख रही है डस्टबिन के ऊपर, देखो देखो गेट के पीछे है, अभी इस पे चले भी जाए, देखो ये तो है ना आदमी को मार दे रहा है, नहीं नहीं आदमी को मार दे रहा है जी, अगर जो एडी एडी चाट जाती है तो देखो करता कुछ नहीं है, नहीं नहीं जी एड बहुत बुटका भरता है तो बहुत तेज, देखो ग्राउंड फ्लोर पर रूम लेने का मजा, ठीक है धन्यवाद मेगा, ये डार्लिंग देख के मरी थी हुई यार, जब ना चला भी नहीं जा रहा तो सॉरी यहाँ पर बैठ गया हूँ, मेगा के पास आ गई थी चुचुंदर थी वाली, तो वो तो एक और चीज थी, ठीक है दोस्तों, सुकुंदरी उम्र गई और अभी सोने का भी टाइम ही गया, और आज का भी लोग हम घर भी आ गई, नींबू पानी पिया था मसाले वाला, यहाँ का फेमस है, और आज का भी लोग हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और कल मिलती है नई चीज़ के साथ, मिलते हैं आपको अगर जो कुछ नया कुछ मिलता है, कोशिश करते हैं
आपका मनोरंजन के लिए, ये मनोरंजन तो हो गया, चूहा आ गए, चुकंदर थे, चूहा था, भूंडी गंदी चीज हो गई, नींद खराब कर दिया ना, अभी टाइम तो बाहर है, अभी अब टाइम देखो क्या हुआ है, 00:01 12:01 हो गई है। गुड नाइट, क्या लेके बैठ गए हो? ये फोन ले लो भाई आपका। अरे यार हाँ फोन दो, अब फुल एंटरटेनिंग चल रहा है क्या? क्या है यार ये, मैं भी बोलूं किसकी नोटिफिकेशन आ रही है फोन में।